गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आइए चलते हैं पावर पॉइंट की दुनिया में। पावर पॉइंट है क्या, यह आज हम आपको बताएंगे। एमएस पावर पॉइंट क्या है, व्हाट इज एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट, जिसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, तथा इसे पावर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो सूचनाओं को स्लाइड फॉर्मेट में कुछ मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया का मतलब जानते हो, अनेक साधन विशेषताएं जैसे फोटो एवं आवाज़ के साथ ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, प्रेजेंट, शेयर एवं प्रिंट आदि कार्य करने करता है। तो आगे चलते हैं। आगे है रिबॉन। रिबॉन क्या है, रिबॉन एक टूल बार है बेटा। रिबॉन एमएस पावर पॉइंट विंडो का एक और भाग है। यह मेनू बार से नीचे होता है। इसे पाठ में दिखाई गई एमएस पावर पॉइंट विंडो में लाल रंग का हिस्सा ही रिबॉन है। इस भाग में एमएस पावर पॉइंट टेबल जो विकल्प मेनू बार में होते हैं के विकल्पों को दिखाया जाता है। अगला, व्हाट इज ए क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार एमएस पावर पॉइंट का एक विशेष भाग है। यह टूल बार टाइटल बार में होता है। इसे हम शॉर्टकट की तरह उपयोग में लेते हैं। इस टूल बार में अधिकतर काम आने वाली कमांड्स और ऐड कर दिया जाता है और वे इसमें जुड़ जाती हैं। क्विक एक्सेस टूल बार की सहायता से एमएस पावर पॉइंट में कार्य थोड़ी स्पीड से हो पाता है। टाइटल बार, व्हाट इज टाइटल बार। टाइटल बार एमएस पावर पॉइंट विंडो के सबसे ऊपरी भाग है। इस बार पर एमएस पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल के नाम को दिखाया जाता है। जब तक फाइल को सेव नहीं किया जाता, फाइल का नाम नहीं दिखाया जाता और वहाँ प्रेजेंटेशन बन लिखा होता है। जैसे ही हम फाइल को किसी नाम से सेव करते हैं, तब प्रेजेंटेशन बन के स्थान पर फाइल का नाम दिखाया जाता है। टाइटल बार के दाएं कोने पर तीन बटन होते हैं। इन तीनों बटनों में पहला बटन मिनिमाइज होता है, जिस पर क्लिक करने से ओपन प्रोग्राम टास्क बार में आ जाता है। दूसरा बटन मैक्सिमाइज और रिस्टोर यानी डाउन होता है। यह बटन विंडो की विड्थ को कम या ज़्यादा करने का कार्य करता है। और तीसरा बटन क्लोज बटन है, जो प्रोग्राम को बंद करने का कार्य करता है। आज के लिए इतना ही। आगे धन्यवाद।